close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading. मेरी तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हर पूरे पूरे देशवासियों को. और मैं इनाम अली कार्ड सेंटर से हूं और मैं आपको आज कुछ नई बात बताना चाहता हूं पतंगबाजी के बारे में, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो पतंगबाजी करते हैं तो माजा सही नहीं खरीद पाते हैं. आज मैं ख़ास तौर से गुजरात और महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश और जो भी जो बड़े शहर हैं जहाँ पर ये डोरें चलती हैं, जो अच्छी डोरें चलती हैं, मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी माजा ख़रीदते हैं तो ख़रीदने से पहले उसकी क्वालिटी देखिए, उसकी क्वालिटी क्या है और उसके अंदर कितनी धार है. कोई भी माजा जल्दबाजी में आप मत खरीदिए, दुकानदार के कहने से मत खरीदिए. आप अपनी मर्ज़ी से उसकी धार देखिए, उसकी क्वालिटी देखिए, उसकी मजबूती देखिए. और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो गुजरात के अंदर जो माजा चलता है नवतार पांडे का, वो माजा नवतार माजा होता है. उसमें आपको ये देखना है कि इसके अंदर कितने रील हैं. अगर दुकानदार आपको 3 रील बताता है तो आपको उससे कंफर्म मतलब उससे पूछना चाहिए कि इसमें 3 पूरे हैं या नहीं है. और अगर 3 पूरे हैं तो लेना चाहिए, 3 अगर 3 से माजा कम है तो नहीं लेना चाहिए. और दूसरी बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये हमारा बरेली का माजा है तो हमारी बरेली की बदनामी होती है. बरेली के अलावा भी बहुत से शहरों में माजा बनाया जाता है और बरेली के नाम से उसको बेचते हैं. मेरी राय ये है कि जो भी माजा देख लें कि इस माजे में कितनी धार है, क्या क्वालिटी है, इसमें माजा पूरा है या नहीं है. आप 500, 400, 800 रुपये की चरखी खरीदते हैं और उसके अंदर माजा कम निकलता है तो ये लगता है हमारी पूरी बरेली की बदनामी होती है. तो मेरी यही गुजारिश है कि किसी भी दुकानदार से किसी भी शहर के अंदर, मुंबई में, औरंगाबाद में, नासिक में या अहमदाबाद में, कहीं भी आप माजा ख़रीदने से पहले उसकी लेंथ पूछिए दुकानदार से. और लेंथ आपको जितनी बताता है उससे कहिएगा इससे अगर कम होगी तो हम वापस कर देंगे. जल्दबाजी मत करिए, क्योंकि आप को मज़ा लेना है, आपको एंजॉय करना है. और मैं ख़ास तौर से दिल से सारे देशवासियों से कहना चाहता हूँ कि ये बड़ा प्यारा शौक़ है, बड़ी प्यारी पतंगबाजी करते हैं आप लोग और आपके एक पतंग उड़ाने से एक परिवार चलता है. मैं आपका बड़ा धन्यवाद आप लोग का मानता हूँ. आप लोग पतंगबाजी करते हैं तो हम लोग जिंदा हैं, आप हैं तो हम हैं और इसीलिए हमारा परिवार आप लोग के थ्रू चलता है. आप लोग पतंग खरीदते हैं, हम बेचते हैं. और मैं यही कहूँगा कि माजा कहीं से भी खरीदें, पतंग कहीं से भी खरीदें, अच्छी खरीदें, क्योंकि आपको मज़ा लेना होता है. मज़ा अच्छे माजे में आएगा. आपको इतना महंगा माजा लेने के बाद आप गलत माजा ले लेंगे तो सर आपको मज़ा नहीं आएगा. और हर छोटे बड़े से कहना चाहता हूँ कि माजा देख के लें, अच्छा लें, अच्छी क्वालिटी का माजा लें. अगर इसकी जानकारी ना हो आपको माजे की तो मैं स्क्रीन पे अपना नंबर छोड़ दूंगा. आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो मैं आपको माजे की पूरी जानकारी दूंगा कि 9 तार को कैसे देखा जाता है, 6 तार को कैसे देखा जाता है या 12 तार को कैसे देखा जाता है. ये सारी चीज़ें मैं अपने भारतीय भाइयों को और बहनों को और जो दोस्त हैं, जो बच्चे हैं, उनको सबको बताना चाहता हूँ कि आप आगे कहीं भी माजा ख़रीदें तो देखभाल के ख़रीदें और अच्छा ख़रीदें, क्योंकि इसमें आपको मज़ा आना चाहिए. अगर आपको मज़ा नहीं आएगा तो हमें भी तकलीफ. मैं इसीलिए मेरे दिमाग में बहुत टाइम से ये बात चल रही थी कि सारे देश के लोगों को ये बात बताऊं कि माजा कैसा ख़रीदना चाहिए, किस तरीके का ख़रीदना चाहिए. कहीं दुकानदार आपको पागल तो नहीं बना रहा है? अगर वो दुकानदार अगर पागल बना रहा है तो उससे मत लिए. आप अच्छे दुकानदार से लिए, एक रेट वाले दुकानदार से लिए और क्वालिटी देख लीजिए क्वालिटी इसकी क्या है. क्वालिटी के बारे में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो मेरा नंबर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, आप इस नंबर से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको सब बता दूंगा. देखिए मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि जो माजा जो होता है मौसम के हिसाब से होता है, क्योंकि जाड़ों में जितना धार का माजा आप लड़ाएंगे ये आप पॉइंट नोट कर लें. अगर ज़्यादा ठंड में ज़्यादा धार का माजा लड़ाएंगे तो आप पतंग ज़रूर काटेंगे, क्योंकि चिकना माजा लड़ाएंगे. चिकना माजा जो होता है वो बरसात के अंदर या सॉरी ये जब ठंड का मौसम होता है तो अगर चिकना माजा लड़ाएंगे तो उसकी ताकत ठंड ख़त्म कर देती है. तो ठंड के अंदर हमेशा ज़्यादा धार का तेज़ धार का जो अभी देखिए इसमें इतनी तेज़ धार होती है
कि ये जाड़ों में इतना बढ़िया लड़ेगा कि ये रखते पत्ते काटेगा, ये इसकी खासियत है। तो और जो गर्मियों का मौसम होता है, गर्मियों के मौसम के अंदर आपको एकदम चिकना वाजा लड़ाना चाहिए ताकि आपका हाथ ना काटे और आपको लड़ाने में मज़ा है। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जाड़ों के अंदर जितनी धार मांझे में होगी, ये आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिए, जितनी ज़्यादा धार होगी उतना ज़्यादा अच्छा लड़ेगा और लड़ाने में मज़ा भी आएगा। और अगर चिकना मांझा होगा तो चिकना मांझा बेजान, जिसको कहते हैं, उसमें जान नहीं होगी और लड़ाने में भी आपको मज़ा नहीं आएगा। और यही चिकना मांझा गर्मियों में आप लड़ाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, एक बात। और दूसरी बात ये है कि आप ये देखा करें कि ये बरेली का मांझा है या नहीं है, क्योंकि बरेली के मांझे के क्योंकि बरेली के नाम से बहुत सारी जगहों से मांझे आते हैं, वो बनाते हैं आप, क्योंकि उसमें हमारी बरेली की और हम लोग की बदनामी भी होती है, हमारे कारीगरों की भी बदनामी होती है, क्योंकि हमारे जो कारीगर होते हैं इसको बड़ी मेहनत से और इतनी तपती हुई धूप के अंदर और ऐसे मौसम के अंदर जब लोगों के पैर जलते हैं, वो नंगे पैर इसको बनाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और इतनी मेहनत करते हैं कि आप उनकी मेहनत देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। और 10,000 परिवार पलते हैं, तो मैंने आपको कितने बार बताया, हमारे शहर के अंदर काफ़ी लोग इससे पलते हैं, अच्छा रोज़गार है, बहुत अच्छा काम है, ये भी एक गेम है। और इस गेम की वजह से ये सारी बातें आपको इसलिए बताई जा रही हैं कि आप हर चीज़ के अंदर पैसा लगाते हैं और आपको पैसा लगाने के बाद भी मज़ा नहीं आता है। कुछ लोग क्या करते हैं, चरखी भी भरी पूरी भरी भी होती है लेकिन मांझा उसमें नहीं होता है। ख़ास तौर से इसको देखिए कि उससे दुकानदार से पूछिए कि इसमें मांझा पूरा है या नहीं है, और उसको खोल के भी देखिए। खोलने के बाद जब आप ऐसे करेंगे तो ये मांस में घुस जाएगा, जितने बार आप करेंगे उतने बार मांस में घुस जाएगा, क्योंकि ये हाथ काट देगा। ये इसमें इतनी धार होना चाहिए जितनी धार से आप पतंग आराम से काट लें, और यही मतलब करना भी चाहिए। हाँ देखिए, इसमें क्या होता है, मांझा जितना शार्प होगा, जितना चिकना होगा उतना ही मज़ा आएगा, क्योंकि आप इतना महंगा मांझा खरीदते हैं, इतनी मेहनत के पैसे होते हैं। सारे देशवासियों से एक यही बात कहना चाहता हूँ, जब पतंगबाजी अच्छी करना है तो अच्छा मांझा खरीदिए, और ये मांझा एकदम चिकना मांझा होगा। ये देखिए, मांझा एकदम चिकना होगा, बहुत शानदार मांझा होगा, बहुत बढ़िया मांझा होगा और लड़ाने में भी मज़ा आएगा। इसको कहते हैं पांडा नंबर 9। ये पूरे गुजरात के अंदर चलता है और पूरे गुजरात में इस मांझे की धूम है। और एक चीज़ बता दूं आपको, मांझा आप कहीं से भी ख़रीदें तो अगर ज़्यादा डाउट है तो उसके तार खोल के देख सकते हैं कि ये 9 तार मांझा है या नहीं है। अगर 9 तार मांझा है तो लीजिए, नहीं वरना दुकानदार से मांझा मत लीजिए, क्योंकि ये दुकानदार जो होते हैं, इन दुकानदारों की वजह से हम लोग की बड़ी बदनामी होती है, और हम सबसे बड़ी बात हमारी बरेली की बदनामी होती है। और जब बरेली की बदनामी होती है तो बड़ा दुख होता है। और मैंने अपना नंबर इसमें छोड़ दिया है, अगर आपको पतंगबाजी के बारे में किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो किसी टाइम भी आप मुझसे बात कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको पतंग लड़ाने का तरीका आपको बता सकता हूँ, और कैसा मांझा आपको ख़रीदना है वो आपको बता सकता हूँ। आप वहाँ से बरेली तो नहीं आ सकते, लेकिन अपने शहर से लें तो मांझा मतलब कैसे ख़रीदा जाता है, कितने का ख़रीदा जाता है, क्या रेट होता है, कैसा होता है, कैसी धार होना चाहिए, लंबाई कितनी है, ये सारी चीज़ें जो हैं मैं आपको बताऊंगा विस्तार से। और आप मैं इनाम अली हूँ और सदप ट्रेडिंग कंपनी से ये मेरी शॉप है। और किसी भी तरह की पतंग और मांझे के बारे में जानकारी, या अच्छी चरखी के बारे में, या पतंग के बारे में, या डोर के बारे में, या किसी भी चीज़ के बारे में कोई जानकारी आपको चाहिए तो मैं आधी रात को भी आपके लिए हाजिर हूँ, और कभी भी मुझसे बात कर सक मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझूंगा जब आप मुझे फ़ोन करके पूछेंगे कि मांझा मतलब कैसे लड़ाया जाता है, ये भी तरीके बताऊंगा, और मांझा किस तरीके से लड़ाना चाहिए ये भी बताऊंगा, क्योंकि इसमें हमारी बरेली की इज्जत है और हमें बताने में अच्छा लगता है। धन्यवाद।